युवा साथियों, एक बार फिर से आप सभी को जय यीशु। और आज एक बार पुनः जब आप लोग इस कक्षा में आए हैं, हम इस कक्षा की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, जिससे हमको प्रभु का आशीर्वाद मिले। इसलिए आइए हम अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ जोड़ें और ईश्वर से हम प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए। धन्यवाद देते हैं उन तमाम वरदानों के लिए जो आज तक आपने हम सब के ऊपर बरसाए हैं। धन्यवाद देते हैं पिछली कक्षा के लिए जब हमने आपके वचन को सुना और हमने विशेष तौर पर जो एक नया अध्याय शुरू किया है, स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने। हे पिता परमेश्वर, आज एक बार पुनः हमारे सभी युवा साथियों को मैं आपके पावन चरणों में अर्पित करते हुए इन सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, इन सभी के ऊपर आपकी आशीष बरसाइए, आपकी कृपाएं बरसाइए, जिसे आज की कक्षा में हम इस पाठ को भली बातें समझ सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमेन। तो प्यारे युवा साथियों, पिछली कक्षा में हमने एक नया अध्याय शुरू किया और उस अध्याय का शीर्षक था स्वयं को जानिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं को जाने, अपने आप को हम जाने, अपने आप को हम पहचाने। यह हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम अपने आप को जानेंगे, हम वास्तव में सार्थक जीवन जी पाएंगे। आज बहुत सारे लोग स्वयं को भली भांति नहीं जानते हैं। वास्तव में प्यारे युवा साथियों, आज बहुत सारे लोग अपने आप को भली भांति नहीं जानते हैं और इसी कारण निम्नलिखित व्यवहार इनके जीवन में आते हैं और इन व्यवहार का कारण भी इस प्रकार है। वे बहुधा अपनी अच्छाइयों को देखने के बजाय, अपनी अच्छाइयों को देखने की अपेक्षा हमेशा अपनी बुराइयों को देखते हैं। वे स्वयं अच्छाइयों और बुराइयों की कल्पना करते हैं जो वास्तव में उनमें है ही नहीं। बहुत बार लोग अपनी अच्छाइयों की और अपनी बुराइयों की कल्पना करते हैं, वो अच्छाइयाँ वो बुराइयाँ उनमें है ही भी नहीं। वे स्वयं अपनी योग्यता के विषय में बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। बहुत बार वे कम काम करते होंगे, बहुत कम योग्य भी होंगे, लेकिन अपनी योग्यताओं को बहुत बार बहुत बड़ा चढ़ा कर वे बोलते हैं और इस प्रकार अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और दूसरों को बहुत हीन समझते हैं। जब दूसरे उनकी कमियों को उजागर करते हैं, जब दूसरे उनके पास आकर उनकी कमियों के बारे में बताते हैं, उन्हें अवगत कराते हैं, तो वे अपनी कमियों को मानने से इनकार कर देते हैं, अपनी कमियों को वे सुनना तक पसंद नहीं करते हैं। बहुत बार दूसरों के दुख से वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्यारे युवा साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दुख पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कितने दुख की बात है कि हम दूसरों के दुख पर प्रसन्न ना हो, दूसरों के दुख पर खुश ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुधा दूसरों के दुख का इंतजार करते हैं और दूसरों के दुख पर बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अकारण दूसरों में दोष पाते हैं, मतलब हमेशा उनका प्रयास रहता है कि वे दूसरों में दोष ढूंढे, दूसरे में दोष ढूंढने का हमेशा वे कार्य करते हैं, दूसरों की बुराइयां उजागर करने का काम करते हैं, दूसरों में हमेशा बुराइयां वे ढूंढने का प्रयास करते हैं। और वे बहुत बार गलत धारणा में रहते हैं कि हम ही बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ी गलत धारणा में लोग जीते हैं कि हम ही बहुत बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे उपलब्धियों को
प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी भावनाएं लोग रखते हैं, ऐसे विचार लोग रखते हैं, और इस प्रकार बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। और प्यारे युवा साथियों, जब लोग हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति आती है जब वे अपने आप को कहते हैं कि मैं किसी के लायक नहीं रहा, मैं किसी काम करने के लायक नहीं रहा। ऐसी भावनाएं भी उनमें आ जाती है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि हम सबको अपने स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। हम स्वयं को जानने का प्रयास करें, और जब हम प्रभु यीशु के बारे में सोचते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्रभु यीशु अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। प्रभु अपने आप को बहुत ही अच्छे से जानते थे। प्रभु यीशु अपने आप को पूर्ण रूप से जानते थे। उन्होंने अपने पिता और मानव के साथ अपने संबंधों पर गहराई से उन्होंने चिंतन किया। अपने पिता और मानव के साथ अपने संबंधों पर उन्होंने गहराई से चिंतन किया, कितनी बड़ी बात है। और अपने व्यक्तिगत जीवन और सेवा कार्य के विषय में उनका दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट था। तो उनका जो व्यक्तिगत जीवन था और सेवा कार्य का जो जीवन था, उनके विषय में उनकी धारणा या उनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही स्पष्ट था, पूरी तरीके से स्पष्ट था। और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन की जो भी योजनाएं थी, उन योजनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने योजनाबद्ध किया, और सारी योजनाओं को अच्छी तरीके से रखा और उनको कार्यान्वित किया। और न केवल कार्यान्वित किया, लेकिन कार्यान्वित करने के बाद उन्होंने अपने कार्यों के ऊपर मूल्यांकन भी किया। अब क्यों मूल्यांकन किया प्यारे युवा साथियों? मूल्यांकन इसलिए किया ताकि हम अपने आप को जान सके। हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हम कैसे कर रहे हैं, उनमें हम सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमेशा अपने कार्यों के बाद उनका मूल्यांकन हमेशा किया करते आ रहे थे। और इसीलिए प्यारे युवा साथियों, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1-2 में हम पढ़ते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1-2 में हम पढ़ते हैं, उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला जिससे शैतान उसकी परीक्षा ले ले, जिससे शैतान उसकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे, और इसके बाद उन्हें भूख लगी। प्रभु यीशु ने एकांत में भी प्रार्थना करी। हम बाइबल में पढ़ते हैं बहुत बार प्रभु यीशु एकांत में जाते हैं, एकांत में जाकर पिता परमेश्वर से वे प्रार्थना करते हैं। हम संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 1 वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 1 वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं कि दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। मैं फिर से पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। प्यारे युवा साथियों, आप देखते हैं बाइबल में लिखा है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1:35 में कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। तो हमें भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हम भी हमेशा प्रभु यीशु के समान प्रार्थना करते रहें। और हम देखते हैं प्रभु यीशु को अपना लक्ष्य ज्ञात था, प्रभु यीशु को अपना लक्ष्य पूरी तरह से मालूम था कि उनको क्या करना है, उनका लक्ष्य क्या है और किस प्रकार से अपने लक्ष्य को उनको पूरा करना है। और इसीलिए जब वे अपने लक्ष्य को जानते थे, इसीलिए अपने लक्ष्य को पूरा करने का पूरी तरह से वे प्रयास करते हैं। हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 34 में पढ़ते हैं, अध्याय 4 वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार ईसा ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। तो प्रभु यीशु अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए वो कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा
उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना ही मेरा भोजन है। और प्रभु यीशु यह भी कहते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 45 में कि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों का उद्धार करने इस संसार में आए हैं। तो जब प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं के बारे में जानते थे, उन्होंने स्वयं प्रार्थना की, प्यारे युवा साथियों, मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, जब प्रभु स्वयं ने प्रार्थना की, हम सभी को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब हम अपने आप को और भी जानेंगे, अपने आप को और भी पहचानेंगे। और प्यारे युवा साथियों, प्रभु यीशु अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय थे और इसका जिक्र संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 21 से 23 में हम पाते हैं। प्रभु यीशु अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय थे और इसका जिक्र संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 21 से 23 में हम पाते हैं। वचन कहता है, उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा न करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। तो प्यारे युवा साथियों, इस प्रकार से प्रभु यीशु अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय थे। उनको मालूम था कि उनका लक्ष्य क्या है और इसीलिए उनके प्रति वे दृढ़ निश्चय थे। और प्रभु यीशु ने अपने विषय में लोगों से जानकारी प्राप्त की और इसका जिक्र संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 13 से 16 में हम पाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने स्वयं के बारे में लोगों से जानकारी ली। वचन कहता है, ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहान बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यरेमियस अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने स्वयं की जानकारी लोगों से हासिल की, लोगों से अपने विषय में जानकारी उन्होंने प्राप्त की और इस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने उद्देश्य को पूरा किया। और इसका जिक्र संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 30 में हम पाते हैं। इसका जिक्र संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 30 में हम पाते हैं। ईसा ने खट्टी अंगूरी छककर कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो प्यारे युवा साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय थे। प्रभु यीशु ने अपने स्वयं के विषय में लोगों से जानकारी हासिल करी और फिर प्रभु यीशु ने किस प्रकार से अपने उद्देश्य को पूरा किया। और आज मैं ये सारे रेफरेंसेस आपको दे रहा हूँ ताकि आप घर जाकर इनको पढ़ें, इनके ऊपर मनन चिंतन करें और यह देखें कि किस प्रकार से प्रभु यीशु अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय थे, लोगों से उन्होंने जानकारी हासिल करी और अपने लक्ष्य को पूरा किया। तो तब तक प्यारे युवा साथियों, इन सभी रेफरेंसेस को आप कृपा करके घर जाके पढ़िए, इसके ऊपर मनन चिंतन करिए
और इस प्रकार स्वयं को भी देखिए कि किस हद तक हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय हैं, हम किस हद तक लोगों से अपने विषय में जानकारियां हासिल करते हैं। जब हम लोगों से अपने स्वयं के बारे में जानकारियां हासिल करेंगे तो ज़रूर हमारे जीवन में बदलाव आएगा। तो तब तक के लिए प्यारे युवा साथियों, इन जो रेफरेंसेस है जो आपको मैंने दिया है, इनको आप घर जाके पूरी तरह से पढ़ते रहना।